गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रक्टर पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम जो अब अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इनलाइन फंक्शन एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक हो गया कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। ऑलराइट, सर रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समटाइम्स हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं ऐड, जिसमें दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो मैंने नाम रख दिया ऐड वन, और इसमें दो नंबर है इंट ए इंट बी, और यहां पे मैं लिख रहा हूं रिटर्न ए प्लस बी। इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप देता हूं इंट, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रखा मैंने एड वन, जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए मुझे तीन नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया एड टू, जो तीन नंबर्स को ऐड करेगा इंट ए इंट बी इंट सी, और ये तीन नंबर को जो ऐड करके वैल्यू पास करेगा दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक फंक्शन और बनाता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं, वो फ्लोट नंबर को ऐड करना है, तो मैं लिखता हूं यहां पे फ्लोट ऐड थ्री, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई टर्न एक्स प्लस वाई। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैंने तीन फंक्शंस बनाए हैं। एक फंक्शन जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, दूसरा फंक्शन जो तीन नंबर्स को ऐड कर रहा है, तीसरा फंक्शन भी दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, लेकिन पहले वाले में इंटीजर एडिशन है और तीसरे वाले में फ्लोटिंग वैल्यू का एडिशन है। अब अगर आपको कॉल करवाना है तो कॉल कैसे करवाएंगे? अगर आपको कॉल करवाना है ऐड वन, तो आपको दो इंटीजर भेजने हैं। आपने भेजा ऐड वन 10, 20, फिर आपने कॉल करवाया ऐड टू, यहां आपने तीन वैल्यू भेज दी 10, 20, 30, फिर आपने एक ऐड थ्री नाम से फंक्शन कॉल करवाया जिसमें आपने दो फ्लोटिंग वैल्यू भेज दी 4.5, 7.9। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये कॉल करेगा इसको, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा जी इसको, और ये फ्लोटिंग वाला कॉल करेगा इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों के नाम मैंने अलग अलग रखे हैं, जबकि तीनों के जो काम है वो बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? कि तीनों का जो काम है वो एडिशन हो रहा है ना, मतलब इधर भी एडिशन हो रहा है, इधर भी एडिशन हो रहा है, और इधर भी एडिशन हो रहा है। हाँ, इसमें दो वैल्यू का एडिशन हो रहा है इंटीजर की, इसमें दो वैल्यू का एडिशन हो रहा है फ्लोट की, और इधर तो तीन नंबर्स का एडिशन हो रहा है। काम तीनों में सेम हो रहा है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है? फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है कि भाई आप तीनों के जो नाम आपने अलग अलग रखे हुए हैं, आप तीनों के नाम सेम रख दो, मतलब
मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग इट्स दैट व्हेन वी हैव सेम टास्क टू डू ऑन डिफरेंट tables, then we can keep the function name same. That is, function having same name but different arguments and signatures, that is the return type. Function having same name but different argument signatures are known as function overloading. Functions ke kaam same hai, unke naam bhi hum सेम रख सकते हैं. ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमको कहता है. फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर्स आर नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. मतलब अब हमें इन तीनों के जो नेम्स हैं वो अलग अलग रखने पड़ रहे हैं, तो इसकी दिक्कत ये आएगी कि हमें याद रखना पड़ेगा कि एड वन के अंदर दो वैल्यूज भेजनी है जबकि एड टू के अंदर तीन वैल्यूज भेजनी है जबकि एड थ्री के अंदर दो फ्लोटिंग भेजनी है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका फंक्शन ओवरलोडिंग, जो सी प्लस प्लस का एक्साइटिंग फीचर है, ऊप्स का एक्साइटिंग फीचर है. ये क्या कहता है? ये कहता है भाई आप तीनों के जो नाम है वो सेम रख दो. मतलब ये कहता है जी आप रखो यहाँ पर इंट एड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज. ऑलराइट, इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया इंट एड इंट ए इंट बी इंट सी रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ये भी फंक्शन बन किया. फिर बनाया इंट एड फ्लोट एक्स फ्लोट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई. सो यहाँ पे क्या है कि हमने तीनों के नाम सेम रख दिए. थोड़ा क्या दे देते हैं ताकि विजिबिलिटी ठीक हो जाए. ठीक है, तीनों के नाम हमने सेम रख दिए. अब क्या होगा वाइल कॉलिंग? जब हम कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है. हमने कॉल किया एड 10, 20 एड 10, 20, 30 एड 7.5, 4.9 सपोज. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम लोगों ने एड ही नाम रख दिया सबका, तीनों का, इसका नाम भी हमने एड रखा, इसका नाम भी एड रखा और इसका नाम भी ऐड रखा. अब एक्चुअली में तो कोई एरर आनी चाहिए कि एक ही नाम के तीन फंक्शंस बना रखे हैं, लेकिन ये ऊप्स का एक्साइटिंग फीचर है जो कहता है कि आप फंक्शन के नाम सेम रख सकते हो अगर उनके दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स या रिटर्न टाइप डिफरेंट है. तो जैसे पहले वाले ऐड में देखिए दो आर्ग्यूमेंट्स है जबकि दूसरे वाले में तीन आर्ग्यूमेंट्स है, और तीसरे वाले में भी दो है लेकिन पहले वाले से वो कैसे अलग है? डेटा टाइप की वजह से. यहाँ पे फ्लोट है और ऊपर क्या है? इंट है. तो ये वाला क्योंकि अंदर इंटीजर वैल्यू पास हो रही है तो ये तीसरे वाला कॉल नहीं करेगा, ये वाला कॉल कर लेगा. हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो देख लेगा कि भीतर किस टाइप की वैल्यूज आप पास कर रहे हो. किस टाइप की वैल्यूज पास कर रहे हो? इंटीजर. तो ये इंटीजर वाले को कॉल करेगा. कितनी है? दो है, तो दो वाले को कॉल करेगा. यहाँ पे भी इंटीजर है और तीन है तो किसको कॉल करेगा? ये इसको कॉल करेगा. अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो है लेकिन दोनों क्या है? फ्लोट है. तो ये ऑटोमेटिकली जज कर लेगा और इसको कॉल कर लेगा. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट
ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें ना तो हमने कोई क्लास का यूज किया है ना हमने कोई ऑब्जेक्ट का यूज किया है. बिना क्लास और बिना ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है फंक्शन ओवरलोडिंग. हालांकि हम इसको क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपने प्रीवियस क्लास में जब कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल मैंने करवाया था तो मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये तीनों मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर करवाए थे. दैट वॉज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इन अ क्लास. पर अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो बिना क्लास के बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ. हाउ वी कैन कीप द फंक्शन नेम सेम इफ दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट रिटर्न टाइप एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इंट नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा. मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंट नहीं आएगा, यहाँ पे फ्लोट आएगा. राइट right? ऐसे यहाँ पर तो मैंने फ्लोट लिख ही दिया था, बट यहाँ नहीं लिखा था, तो ये फ्लोट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना, तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव करते हैं. अब इसको हम कोडिंग के थ्रू देखें तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बहुत इजी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए ऐड की जगह पे मैंने यहाँ पे नाम दिया है सम. इंट सम दो इंटीजर वैल्यू, फ्लोट सम दो फ्लोट वैल्यू, इंटीजर सम तीन इंटीजर वैल्यू. ये मैंने मेन के ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि मैं तीन फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसको मैं मेन के बाहर बनाऊंगा. मेन के बाहर कहाँ बनाऊंगा, ये मेरा मेन खत्म हो गया यहाँ पर, यहाँ पे मेरा एंड ऑफ द मेन है. नीचे मैंने बनाया दो इंटीजर को सम करने का मेथड, दो फ्लोट को सम करने का, और तीन इंटीजर को सम करने का. ठीक है, अब इनको कॉल कैसे करेंगे, वो मेन के अंदर करेंगे. कैसे, देखिए मैंने तीन इंटीजर ले लिए ए बी एंड सी, दो फ्लोट ले लिए एक्स एंड वाई, एंटर थ्री इंटीजर वैल्यूज ए बी सी, तीन वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर टू फ्लोटिंग वैल्यूज एक्स एंड वाई, दो मैंने फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करवाई. नाउ आई एम कॉलिंग सम ए कॉमा बी. तो सम ए कॉमा बी व्हाट इज दैट, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं यहाँ पे, सम एक्स वाई, यहाँ भी दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, ऊपर भी सम है नीचे भी सम है, लेकिन ए और बी तो मेरे इंटीजर्स हैं और एक्स और वाई मेरा फ्लोट है. तो ये कौन कौन से कॉल करेंगे, इंटीजर वाले को, फ्लोट वाले को कॉल करेगा, और तीसरा ए बी सी, ये तीन आर्ग्यूमेंट जो आई जे के में जाएंगे ए बी सी की वैल्यू लेकर, ये वो है. अच्छा, ए बी सी की वैल्यू मैंने कीबोर्ड से इनपुट करवा दी है, वो मुझे मालूम नहीं है रन टाइम पे यूजर डालेगा, यहाँ पर जो भी डालेगा ए बी सी की वैल्यू वो हो जाएगी, और x और y की वैल्यू भी मुझे मालूम नहीं है, वो यूजर इनपुट करेगा वो हो जाएगी. मैं दिखाता हूँ रन करके प्रोग्राम. एंटर थ्री इंटीजर, मान लीजिए 10, 20 एंड 30, टू फ्लोटिंग वैल्यू 4.5, 7.9. तो देखिए सम ऑफ टू इंटीजर्स 10 और 20 भेजा था तो उसका आंसर आ रहा है 30. सम ऑफ टू रियल यानी कि फ्लोट वैल्यूज का सम आ रहा है 4.5 प्लस 7.9, दैट इज 12.4, बिल्कुल सही है. सम ऑफ थ्री इंटीजर्स 10 प्लस 20 प्लस 30, दैट विल बी 60, ये भी बिल्कुल सही है. मजे की बात यह है कि यहाँ पे हमने फंक्शन के नाम हमें अलग अलग रखे, याद रखने की जरूरत नहीं है कि सम वन किसके लिए था तो सम टू किसके लिए था, यहाँ पे हमने एक ही नाम रखा है और उसी नाम के सहारे ही हमने तीनों फंक्शंस को एक एक करके कॉल किया है. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ये इसकी डेफिनेशन है. ये हम बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है और इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो आपने एक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, ठीक है ना, अब उसके लिए होम लोन इंटरेस्ट, पर्सनल लोन इंटरेस्ट का मेथड बनाया, कार लोन का इंटरेस्ट बनाया, गोल्ड लोन के इंटरेस्ट का बनाया, तो ऊप्स कहता है कि आप एक ही नाम रख दीजिए इंटरेस्ट, वो होम लोन के लिए भी वही फंक्शन बना दीजिए, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन. ऑब्वियसली फंक्शन आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, लेकिन नाम आपको कॉमन रख सकते हो, ये आपके पास फैसिलिटी है. होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, दो होमवर्क दे रहा हूं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग. तीनों के मैंने फॉर्मूले लिख दिया, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है. सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल एल इंटू बी, ट्राइंगल हाफ इंटू बी इंटू एच. ठीक है, तो आपने फंक्शन ओवरलोडिंग से प्रोग्राम बनाना है जिसमें तीनों का नाम आप क्या रखेंगे, एरिया, एरिया एंड एरिया. एरिया ऑफ सर्कल में भी एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी एरिया.
और अगर आपका सी लैंग्वेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो दो इंटीजर, दो करेक्टर और दो फ्लोटिंग नंबर्स की स्वैपिंग का आपने फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाना है और कॉल बाय रेफरेंस यानी कि पॉइंटर्स का यूज करना है. तीनों में जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा स्वैप स्वैप स्वैप. बना सकते हो तो अच्छी बात है, ये तो ऊपर वाला तो आई गेस आप बना ही लोगे. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और ऊपर मैंने जो करवाया वो कर लेना. यहाँ तक हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग खत्म है. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इनलाइन फंक्शन. यहाँ मुझे बताओ फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. गुड, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनलाइन फंक्शंस का. देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि नॉर्मली जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया इंट फन और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल दे दिया और यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे फंक्शन कर दिया बंद. नाउ यू कॉल अ फंक्शन फन विद वैल्यू 4, फिर आपने कुछ लिखा, फिर आपने फंक्शन कॉल किया फन वैल्यू भेजी मान लीजिए 12. इस तरीके से आपने और फंक्शन को कॉल किया फन 45 मान लीजिए. तो क्या होता है नॉर्मल सीक्वेंस क्या होता है कि व्हेनेवर यू कॉल अ फंक्शन ओवर कंट्रोल गोज टू द फंक्शन एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट एंड जब फंक्शन एंड होता है तो हमारा कंट्रोल वापस वहीं आ जाता है जहां से फंक्शन से ये गया था. अब ये सेकंड टाइम दोबारा कॉल हुआ तो मैं दोबारा इसी फंक्शन पे जाऊंगा, सेकेंड टाइम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूंगा और काम खत्म होने के बाद लौट के वापस यहीं पर ही आ जाऊंगा. नाउ यू कैन सी इजली व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन हमारा कंट्रोल जाता है आता है, यानी कि हमारा कंट्रोल टू एंड फ्रॉम कर रहा है, टू एंड फ्रॉम स्विच कर रहा है कंट्रोल, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एग्जीक्यूट करता है और लौट के वापस नीचे आ जाता है. ठीक है, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट कहता है, C++ कहता है कि यार ये जो जाना और आना है ना हम इसको सेव करना चाहते हैं. मतलब हम चाहते हैं बजाय हम ऊपर जाए फंक्शन की स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, जहां जहां पे भी फंक्शन कॉल किया जा रहा है वहां वहां पे आ जाए, हमें ऊपर नहीं जाना फंक्शन बल्कि नीचे आ जाए. जैसे जैसे हमें कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो हमें जाना है, आज हमें जाना नहीं है तो हम कैसे मंगाएंगे? Zomato से मंगा लेंगे, होम डिलीवरी है. लेकिन Zomato वाले क्या करते हैं, चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं. ठीक है, अगर आप कहते हो डायरेक्ट मैं रेस्टोरेंट या होटल को कॉल कर देता हूँ तो वो कहते हैं मिनिमम ऑर्डर आपका 500 का होना चाहिए, 400 का होना चाहिए, 200 का होना चाहिए, तब हम डिलीवरी देंगे. ठीक है ना, तो यानी कि आपने फंक्शन के पास नहीं जाना, फंक्शन को अपने पास लेकर आना है. तो दैट इज पॉसिबल. वो कैसे पॉसिबल है? बाई यूजिंग इनलाइन कीवर्ड. इनलाइन कीवर्ड क्या कहता है कि भाई आप फंक्शन के आगे क्या लगा दीजिए, इनलाइन इंट फन और जो भी आपका फंक्शन. ठीक है, और आपने जो भी यहाँ पे कोड लिखा और ये फंक्शन आपने कर दिया बंद. ठीक है, व्हेनेवर यू कॉल अ फन विद वैल्यू 5 और समथिंग एल्स 10, तो क्या होगा इससे? इससे होगा ये, क्योंकि फंक्शन के आगे लगा हुआ है भाई इनलाइन, तो ये इनलाइन की वजह से आप जब भी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके पास फंक्शन अपने आप उठ के आ जाएगा. फिर आपने कॉल किया तो फिर फंक्शन आपके पास उठ के यहां पर भी आ गया, यानी कि आपका जाना और आना सेव हो जाएगा. अच्छा, जाना आना सेव हो जाएगा तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें जाना पड़ रहा था फिर लौट के आना पड़ रहा था, तो ये जो जाने और आने का समय है
हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो वो कैसे संभव है? वो इनलाइन फंक्शन के थ्रू संभव है। तो ये तो बढ़िया बात है, फिर सारे फंक्शंस को हम इनलाइन क्यों नहीं बना देते? अगर इनलाइन इतना ही जबरदस्त है तो हम सारे फंक्शन को इनलाइन बना दें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कि इस फंक्शन के अंदर जो आपने कोडिंग करी है, मान लेते हैं कि वो कोडिंग 10 लाइन्स की है, 10 लाइन्स की कोडिंग है। अच्छा, अब क्या होगा? अब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये 10 की 10 लाइनें आपकी एक लाइन के बदले में रिप्लेस हो जाएगी, और यहां पर नहीं बल्कि इधर भी। तो आपकी जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी रिक्वायरमेंट, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के बदले में 10 लाइनें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और नीचे भी हो जाएगी, तो आपके प्रोग्राम का साइज ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। और अगर 10 लाइन्स का ना होता, 100 लाइन्स का होता, तो सोचिए एक लाइन के बदले में 100 लाइन्स रिप्लेस हो जाएगी, विच इज नॉट डिजायरेबल फीचर। इसलिए हम इनलाइन का यूज बड़े प्रोग्राम्स में रिकर्जन्स के अंदर नहीं करते। तो कहाँ करते? तो इनलाइन का यूज वहीं पर ही पॉसिबल है जहाँ पे आप फंक्शन के अंदर केवल एक लाइन दे रहे हो। अगर एक लाइन की स्टेटमेंट है तो वहां पे आप इनलाइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आप एक लाइन के स्टेटमेंट के बदले में एक ही लाइन तो सब्स्टिट्यूट करोगे, इस एक लाइन के बदले में एक ही लाइन आएगी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है ना, और आपको जाने आना भी नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन। इसको हम एक बारी ये मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इनवॉक्ड, आवर कंट्रोल स्विच और जंप टू द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट। दिस मे कॉज अ लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन प्रोसेस। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज टू अवॉइड स्विचिंग द कंट्रोल टू एंड फ्रॉम द फंक्शन, यूज अ कंसेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन। When a function is declared as inline, then it replaces the function calling statement with the function definition statement. Calling statement मतलब जहाँ call किया जाता है, definition मतलब जहाँ function को बनाया गया है। Hence there is no switching the control to and from the function. Inline function could be dangerous for the memory management policy of the operating system, as if an inline function has more than one line statement in it, then it replaces the single calling line with the multiple function definition line statement. For this, always use inline function when a function definition has only single line or one line statement. Inline function never be used with recursion, nesting of loops, large programs. Example देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ inline int add int a comma int b, और इसके अंदर मैंने एक ही statement दे रखी है, return a plus b. Now I'm calling here add a comma b. आपको रन करते समय कुछ भी नहीं मालूम चल रहा, ठीक है, आंसर फटाफट से आ गया। अगर मैं इनलाइन नहीं भी लगाता यहाँ पर, मेरा आंसर यही आता। लेकिन इनलाइन लगाने से इसकी इंटरनल स्पीड इंक्रीज हो रही है, और ये स्टेटमेंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर लौट के आ रही है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनलाइन। अगर एग्जाम्पल आता है तो मैंने जो थ्योरी लिखी है वो, और ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये सिंगल लाइन का एग्जाम्पल है। आप चाहो तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से कीबोर्ड से भी इनपुट करवा सकते हो, बजाय इसके कि आपने डिफॉल्ट 10 और 20 ले ली है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग में आई जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नया चैप्टर है और वो बड़ा भी है। तो आज मैंने दो टॉपिक करवाए हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और इनलाइन। ये दोनों ही पेपर में 5-5 मार्क्स के आते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इफाम ने भी ज्वाइन कर लिया था अभी, अच्छा चला गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू।